आपके पास टाइम की कमी है या फिर काम का प्रेशर, आपको फिट रहने के लिए वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो शायद शुरुआती एक दो महीने आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वर्कआउट जर्नी को बीच में छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लगे रहना है। तो तैयार हो जाइए आज का वर्कआउट मेरे साथ करने के लिए। अगर आप अपनी 36 की कमर को 24 की करना चाहते हैं, अपने टम्मी को फ्लैट बनाना चाहते हैं, स्पार्ट बनाना चाहते हैं, तो आज का वर्कआउट डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर साथ में मिलके करते हैं वर्कआउट। अगर आपको पसंद आ जाती है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए फिर वर्कआउट देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके लिए आपको इस तरह से लेट जाना है, पैरों को खोलना है। ये एक्सरसाइज हमारी होगी फ्रॉग एक्सरसाइज, और आपको आपकी जो एरिया है कुछ इस तरीके से मिला लेनी है। तो इस तरीके से आपको मिलाना है, ओके। इस एक्सरसाइज में क्या होगा, आपका पूरा वेट आपके इधर टम्मी एरिया पे आएगा। फिर आपको हाथों को ऐसे करना है, और या तो आपसे ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ जाए तो आपको ऐसे ही लेटे रहना है। अदरवाइज आप कैसे करेंगे, जैसे हम पुशअप मारते हैं और थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं, तो आपको बीच में से आपका टम्मी उठाना है और इस पोजिशन में आपको रहना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ जाना है। फिर से आपको उठना है, होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। अगर आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते हैं, कम से कम आप 5 तक तो होल्ड करके जरूर रखिएगा। फिर आप धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, फिर से उठेंगे, लेकिन आपके पैर इसी पोजीशन में होने चाहिए, चाहे आप नीचे करें या फिर आप अपनी टम्मी को ऊपर उठाएं। तो ये एक्सरसाइज बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज हो सकती है अगर आप अपने टम्मी एरिया को फ्लैट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ऐसे उठते हैं ना तो आपका पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ आपके टम्मी एरिया पर होता है। और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो थाई एरिया है वो भी पतला बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मस्ट है एक एक्सरसाइज। अगर आप इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं सुबह शाम, तो एक ही एक्सरसाइज काफ़ी है आपके टम्मी एरिया को फ्लैट बनाने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपके हाथ कुछ इस तरह से होने चाहिए, कमर के पीछे बिल्कुल स्ट्रेट, पैर इस तरीके से होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो ये लव हैंडल है, ये जो फैट है आपका कमर का, इसको मेल्ट होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आपको करना है ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, बीच में रुकना नहीं है बिल्कुल भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। फिर थोड़ा सा रेस्ट देंगे, फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल आप चाहें तो इसको ऐसे नीचे भी मिला सकते हैं, 9 और 10। आप देख सकते हैं कि पूरा प्रेशर आपका यहाँ पे आएगा। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज, अगर आपका पेट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला हुआ है, चेस्ट के जस्ट नीचे से अगर आपका पेट इस तरीके से निकला हुआ है और यहाँ तक पूरा इस तरीके से निकला हुआ है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट या फिर आपका सिर्फ ये वाला एरिया, ये इतना सा एरिया निकला हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट है साइकिलिंग। और मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जब जब मैंने साइकिलिंग की है मेरा टम्मी बिल्कुल फ्लैट हुआ है। अगर आप कुछ ही दिनों में रिजल्ट चाहते हैं तो आपको साइकिलिंग जरूर करनी है, बिल्कुल फास्ट तरीके से करनी है और अच्छे से करनी है। आप जो ये मेरे हैंड देख रहे हैं ना, ये आपको आपके हिप के नीचे नहीं लेके जाना है, इसे आप बिल्कुल सीधा रखेंगे। हिप के नीचे लेके जाएंगे तो आपका कम प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इस तरीके से लेके जाना है, बिल्कुल अच्छे से आपको साइकिल चलाना है, रेस्ट करना है 10 सेकंड के लिए, और फिर से आपको
साइकिलिंग करनी है इस तरीके से, ओके इस तरीके से। फिर आपको करना है रेस्ट, और यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है 3 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप दिन में अगर एक बार कर लेते हैं, सिर्फ एक बार, तो आप 22-25 डेज में, थोड़ा सा ऊपर कर दो, 22-25 डेज में अपने पेट को 2-3 इंच तक घटा सकते हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ रेगुलर बेसिस पे करेंगे, आपको रिजल्ट तभी मिलेगा, ठीक है ना। तो रेगुलर करना है, जो भी आपका फीडबैक रिजल्ट होता है वो मेरे साथ जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आ गया है तो ये वर्कआउट आपको डेफिनेटली करना है, अगर आप अपनी टम्मी को फ्लैट बनाना चाहते हैं, अगर आप थोड़े से भी अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, तो आज का वर्कआउट आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।